इंडिया में अगर देखा जाए मेनली तो तीन OTT सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जिन्होंने पूरा टेक ओवर रखा है। सबसे ऊपर है हमारा कौन सा, नेटफ्लिक्स, के बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और उसके बाद है अमेज़न प्राइम। अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो चाहे अमेज़न प्राइम हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, तीनों जो है ना मिलकर इंडिया के लगभग लगभग 10 से 12 शो जो है वो निकालते ही रहते हैं। उनकी जब भी कोई भी अनाउंसमेंट देखो ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया शो आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट और इस मार्केट को अब HBO Max वाले समझ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपनी OTT सब्सक्रिप्शन जो प्लेटफॉर्म है वो हमें अब निकालना पड़ेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इतने सारे शो हैं उनके प्लेटफॉर्म के अंदर और इतने सारे शो हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर, और हर बार उनको या तो Amazon Prime के पास जाना पड़ता है या फिर Disney Plus Hotstar के पास जाना पड़ता है या फिर Netflix के पास जाना पड़ता है, और उनके जरिए उनकी कमीशन को शेयर करके उनके सारे के सारे शो हमें देखने को मिलते हैं। थोड़े दिन पहले एक शो आया था जो कि आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, मैग्निफिसेंट शो, बहुत बढ़िया शो था, लेकिन फिर भी HBO Max इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए उस शो को निकाला। इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स का भी यही हाल था। अब सुनने में ये आ रहा है कि HBO Max जो है और जो डिस्कवरी है उसका मर्जर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब फाइनली आपको इंडिया के अंदर HBO Max लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। और HBO Max का नाम चेंज हो गया है, अब HBO Max नहीं है, अब ओनली Max रह गया है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी ब्रांडिंग या रीब्रांडिंग कौन कर रहा है, बट HBO Max तो बुरा नाम नहीं था। पता नहीं हर हफ्ते या हर 2 महीने बाद कोई ना कोई अपडेट निकालते रहते हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि आप ऑलरेडी आपको बताया कि डिस्कवरी इंडिया में चलता है और सारे के सारे जो शो है उनके वो हिंदी के अंदर आते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जब HBO Max यानी कि Max के शो भी इंडिया में आएंगे तब उनको भी ऑफिशियल हिंदी डब मिलेगा। आपको बताया बहुत सारे शो उनके ऐसे हैं जो कि ऑफिशियल हिंदी में डब अभी तक नहीं हुए हैं और काफी लोग जो उन शोज को देखना चाहते हैं वो बेचारे वंचित रह गए हैं अभी तक, जैसे लास्ट ऑफ अस हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया और भी पता नहीं कितने सारे शो हैं कि लोग देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर बट अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट्स की ना, तो 2023 के एंड में नवंबर दिसंबर के आसपास आपको जो Max का जो कंटेंट है यानी HBO Max जो है एक्चुअली में इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर देम, इतनी ह्यूज मार्केट है और वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते उसको। तो फाइनली HBO Max का जो कंटेंट है वो हमें देखने मिलेगा ऑफिशियली। इसके टीयर प्राइसिंग क्या होंगे, मेरे हिसाब से 1000 से लेके 1500 पूरे साल का, क्योंकि आपको बताया कि Amazon Prime हो चाहे वो Hotstar हो, दोनों ही अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर 1500 रुपए में देते हैं पूरे साल के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर HBO Max वाले इंडिया के अंदर अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च करते हैं तो 1500 से 2000 से ज्यादा लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि Netflix से कम्पीट तो ऑलमोस्ट वो नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो Netflix की पकड़ है ना बहुत टाइम से बहुत ज्यादा है, उससे वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो HBO Max पे 2 शो आने वाले हैं जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहला है द पेंगुइन। आपको बताया कि बैटमैन मैट्रिक्स वाली 2021 वाली वाज अ फिनोमिनल मूवी और उसके यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए हमारे कॉलिन फरेल प्ले करेंगे पेंगुइन का रोल। इसका थोड़ा सा टीजर ट्रेलर थोड़े दिन पहले आया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, क्योंकि वो डार्क ग्रिटी वाइब्स जो है जो मुझे बैटमैन की मूवी के अंदर देखने को मिली थी सेम वही वाइब्स इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो मैं जिस बंदे को बैट रेस्क्यू बैटमैन अच्छी लगी थी उसको तो मजा आने वाला है 100%, जिसमें से मैं एक हूँ। साथ साथ इसके अंदर क्रिश्चियन मिलियोटी है जो कि शायद हमारे पेंगुइन की बेटी का रोल करेंगी, शायद क्या 100% ही करेंगी, ये तो कंफर्म ही है। इसके अलावा एक शो और आने वाला है जो कि 90s की किट को तो गुस्सा दिलाएगा, लेकिन जो नए बंदे हैं उनको पता नहीं गुस्सा दिलाएगा नहीं दिलाएगा, एटलीस्ट मैं तो गुस्से में हूँ। वो शो है जिसके बारे में बात मैं करना चाहता हूँ, हैरी पॉटर। जी हाँ, हैरी फ्रिकिंग पॉटर। अब सबसे पहले थोड़ी सी मैं बुराई करना चाहूंगा, उसके हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज को खत्म हुए अभी तक लगभग 30 साल में नहीं हुए हैं। देखो मैंने देखा है उसको, बचपन से देखता आ रहा हूँ हैरी पॉटर को, और चाहे कोई सी मूवी हो, सॉर्सर्स स्टोन हो, चेंबर ऑफ सीक्रेट हो, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान हो, कुछ भी हो, सारे के सारे टाइटल याद है, सारी कहानी याद है, और आप हैरी पॉटर की कैरेक्टर को, हरमाइनी की कैरेक्टर को, रॉन के कैरेक्टर को, हैग्रिड के कैरेक्टर को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते भाई। इतना ईजी नहीं है लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि JK रोलिंग ने इसके लिए ओके कर दिया है कि जी जाओ और बनाओ जो बनाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कौन ऐसा करना चाहता है कि भाई इतनी फ्रेश मेमोरी को भी वो बिगाड़ना चाहते हैं, आई हैव नो आइडिया। सासफ की एक और अपडेट है वो ये है कि 7 बुक हैं अगर तो 7 सीजन बनाए जाएंगे और 1 बुक जो है वो 1 सीजन में आपको दिखाई जाएगी। अब देखो मेरे को ये लगता है कि एक मूवी के अंदर हमने जो कहानियां हैं वो अच्छे से कवर कर ली हैं तो पूरा सीजन बनाकर जिसमें एटलीस्ट 10 एपिसोड तो होने ही चाहिए उसमें वो क्या दिखाएंगे, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, आई एम नॉट दैट 100% श्योर। बस मुझे इतना ही डर है कि लोग उसको बुरा फील करके गाली गलौज देकर उसको बंद ना करवा दें, क्योंकि आपको पता है कि जब ये शो अनाउंस हुआ है भाई साहब भारी अप्रोर है, इतने लोगों का आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मतलब क्या बताओ,
लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया ना इसके ऊपर अभी कि भाई हैरी पॉटर सीरीज हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो HBO Max वाले हैं वो उसके साथ अपना ग्रीन लाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे हम भी। बट अगेन 90s की जो किड्स हैं उनके लिए इमोशनल थोड़ा सा डैमेज है मेरे लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो शो है ना इससे ना HBO Max वाले तीन कैरेक्टर डैनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट, इन तीनों को ना थोड़ा लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम हैरी पॉटर का शो बना रहे हैं, अगर तुम लास्ट मूवी के लिए नहीं आए ना तो इस शो से तुम्हारी जो लाइमलाइट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हैरी पॉटर डैनियल रेडक्लिफ को कोई बोल ही नहीं सकता। तो क्या ये एक्चुअली वो हो रहा है कि हैरी पॉटर के शो का इस्तेमाल करके उनको गाइड किया जा रहा है कि आप एक और मूवी बनाओ? मुझे लगता है हाँ हो रहा है, पॉसिबिलिटी और कंफर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, बट मुझे तो लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ और भी शो है जो कि HBO Max पे आने वाले हैं। सुनने में आ रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जो कि आई थिंक एक कैरेक्टर है किट हैरिंगटन का, उसके ऊपर हो सकती है, जॉन स्नो आई थिंक उसका नाम है। और इसके अलावा HBO Max की बहुत सारी अपडेट है, इसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं डेफिनेटली तुम्हें बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि द पेंगुइन की सीरीज देखने के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, क्या आप चाहते हो कि HBO Max वाले जो शो है वो इंडिकेटर डब हो, और हैरी पॉटर की नई सीरीज को लेकर आपके क्या विचार है, मतलब क्या सोच रहे हो आप? एक छोटा सा उम्र बताऊं, कोई नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया तो बताता हूँ। एडम ड्राइवर को जानते हो? जी हाँ, स्टार वॉर्स वाले काइलो रेन, उनको शायद सेवरस स्नेप का रोल मिल सकता है। जी हाँ, जो हैरी की हर पार्ट में लेता था, मतलब लिटरली लेता नहीं था, उस समझ लेता था, तो वो शायद प्ले कर सकते हैं हमारे एडम ड्राइवर। किसी ने नहीं बताया ना, मैंने बताया है, ये स्पूफ है, इसको लेके चलो। अगर हैरी पॉटर की सीरीज बनती है और एडम ड्राइवर इसमें होते हैं तब तुम्हें याद रहेगा कि किसने तुम्हें बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।